सो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुदर्शन गुर्जर, आप लोगों को जो है अब डेली कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स देने वाला हूँ। सो गेट रेडी। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड विद रिवीजन। सर यहाँ पर प्लीज़ ध्यान देंगे आप सभी लोग, एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा आप टाइम नहीं रह गया है कि हम लोग हमेशा सोचें कि अभी तो एक साल है। इस तरह से जनवरी शुरू होने वाला है और एग्ज़ाम बहुत ही पास होगा, मतलब अब आपका टाइम हो गया है कि कंटिन्यू रिवीजन को अपने साथ रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला सबसे मेन काम होता है रिवीजन, और इनफैक्ट सबसे टफ वर्क भी है कि पढ़े हुए को फिर से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, क्योंकि जो हम लोगों का ये माइंड है हमेशा कोशिश करता है कि नई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको भी पढ़ना है सर। और इस एग्ज़ाम का यही खेल है, आप मान सकते हैं कि जिसने जितना रिवीजन किया है, जितनी चीज़ें जिसे याद हैं, वही जो है उतने क्वेश्चंस जो हैं कन्वर्ट करेगा। सिंपल अवेयरनेस वाली बात है, ठीक है। सो तैयार हो जाइए और अपना कुछ इस तरह से प्लान शेड्यूल करिए कि मतलब आप लोगों को रिवीजन करने में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और दिन भर के शेड्यूल में देखो, डेली का एक थोड़ा सा आप अपना प्लान बना लीजिए, डेली का, है ना। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं कि आज आपको क्या क्या करना है, उसमें सबसे पहला आपको काम बस ये करना है कि रिवीजन का पहले स्लॉट रख लो। सबसे पहला काम तो ये कर लेना। हम बाकी दुनिया भर के प्लान कर लेते हैं कि आज ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा मैं, लेकिन आप कुछ मत करिए। सबसे पहला स्टेप आज का ये लीजिए कि कल से आप कोई भी एक शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला शेड्यूलिंग आप रिविजन का रखेंगे। सर अब तक जितना पढ़ा है आपने इन 4-5 महीनों में, उनको पहले रिविजन पर रखिए। उसके बाद फिर अपने आगे जितने भी पैटर्न हैं, ठीक है, कि आगे जितना भी आप कोर्स देख रहे हो कि भाई आगे जो भी मतलब मुझे पढ़ना है वो आप सब पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर एक बेस्ट लर्निंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और मेरा रेफरल कोड GURJR18SUD, ठीक है, इसको यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मैं आऊँगा आप लोगों के लिए डेली अब, और आपको कुछ इस तरह से ही एक स्मॉल मैसेज मैं आपको दूंगा और कुछ आपको सपोर्ट करूंगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन और भी एक बेस्ट लेवल की हो जाए। और जब पढ़ाई का मन ना करे तो बस थोड़ा सा सोच लेना कि आपने इन सब चीज़ों की शुरुआत क्यों की थी, ठीक है, क्यों अचीव करना है हमें सब ये, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।